वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आज हमारी थर्ड क्लास है और इस तरह हमारी प्रैक्टिकल जो है ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने इसे जो प्रीवियस मैंने आपको दो क्लासेस में सारे थ्योरेटिकल सारा समझाया था कि हमारे पास जनरल लेजर ट्राइबैलेंस वगैरह ये सब कुछ होता क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो इसमें ये करेंगे कि हम लोग जनरल इंट्रीज किस तरीके से पास करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों ने सबसे पहले अगर अकाउंटिंग की एक किताब है, जैसे कि हम लोग उसको कहते हैं, इसके राइटर है मैक्स एंड विलियम या मैक्स एंड मीस, ये दो हमारे पास इस तरह की किताबें आती हैं हमारे पास। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 132 पर प्रॉब्लम नंबर 3.1, आज हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज हम लोग प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जनरल में किस तरीके से इंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल इंट्रीज में आ जाता है ना कि हमारे पास आ जाएगा डेट, हमारे पास फर्स्ट दी उन लोगों ने गिवन है कि 1 सितंबर, यानी सितंबर 1 को। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मांग रहे क्या है। हमारे पास आ जाती है लुइस डिक्सन जो है वो इस फर्म का या इस बिजनेस का ऑनर है। अ डेंटिस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन विद अ लार्ज डेंटल ग्रुप इन ऑर्डर टू बींग हिज ओन प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस वॉज ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कॉल्ड लुइस डिक्सन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक फर्म है या एक बिजनेस है जिसका ऑनर जो है वो डिक्सन है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो बिल्कुल फर्स्ट जो वो आ रही है हमारे पास आ जाती है इलस्ट्रेशन में, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि 1 सितंबर यानी 1 सितंबर को डिक्सन ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग $50, ठीक है, $50 कैश से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि जनरल इंट्रीज में हम लोगों ने किस तरीके से जनरल इंट्रीज पास करनी है जनरल में, तो आज हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है 1 सितंबर, ठीक हो गया। 1 सितंबर को हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट सितंबर में हमारे पास सबसे पहले आया है कि लुइस डिक्सन ने जो है वो बैंक में $50, ये यहाँ पे आप लोग जो है ये $50 है, ठीक है। $50 का कैश जो है वो लुइस डिक्सन ने अपना बिजनेस यानी अपने जो एक फर्म थी वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास जब भी देखे हम लोगों ने जब जनरल इंट्री में मैंने आपको रूल्स बताए थे, कैश हमारे पास एसेट है, एसेट में जब भी इंक्रीज आता है ये हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और जब भी हमारे पास जर्नल में ड्यूअल कंसेप्ट में हमारे पास आ जाती है कि हम लोगों ने अगर एक अकाउंट मिसाल के तौर पर कैश एक एसेट है, एसेट का अकाउंट हुआ है, इसके साथ हम लोगों को ये भी बताना है कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कैपिटल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ गया कैश हमारे पास आ गया 50,000, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 50,000। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस एंट्री के मुताबिक हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसकी इलस्ट्रेशन लिखनी है कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किस वजह से हुए। हमारे पास सिंपल यहां पर आ जाती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारे पास इसकी इलस्ट्रेशन आ गई कि हम लोगों ने जो है वो सिंपल इस बिजनेस का, इस बंदे ने जो है ये लुइस डिक्सन इस ऑनर है ना इसका, तो इसने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारे पास यहां पर एक एंट्री कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास था डेट, हमारे पास थी सितंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आई है
सितंबर 10 को, ठीक है। टेंथ सितंबर को हमारे पास परचेज अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड ऑन अ लार्ज लॉट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 182,400, ठीक है। इतने के इन लोगों ने क्या किया है कि एक स्मॉल बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है। अब स्मॉल बिल्डिंग में हमारे पास एक आ जाती है, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है कि इसने क्या किया है कि अब हमारे पास 182,400 रुपीस की ट्रांजैक्शन हुई है। इसमें आगे लिखा हुआ है ऑफ विच 106,000 वाज एप्लीकेबल टू द लैंड एंड 76,400 टू द बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है लैंड, देन हमारे पास आता है बिल्डिंग। हमारे पास लैंड देखिए 182,400 हमारे पास टोटल प्राइस थी, ठीक है, जिसमें से इसी में से 106,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास किसके थे, लैंड के थे। यानी 106,000 रुपीज़ से हम लोगों ने लैंड लिए, ठीक है, एंड रिमेनिंग जितना भी था 182,400 से रिमेनिंग हमारे पास है क्या 76,400। यहाँ पर हमारे पास आ गई ये टोटल, जब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 182,400। इसी ट्रांजैक्शन के इसी आगे फर्दर लिखा हुआ है अ कैश पेमेंट ऑफ 36,500 वाज मेड एंड अ नोट पेबल वाज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है कि हमें कहा है 182,400 कि जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें हम लोगों ने कैश दिया है, कैश हमारे पास कम हो रहा है ना, ठीक है, कैश हम लोगों ने दिया है, कितना कैश दिया है, कैश हम लोगों ने लिया दिया है 36,500। यहां पर हमारे पास क्या आ गई लगे, हमारे पास आ गया 36,500। यहां पर सिंपल अभी आप लोग कैलकुलेटर ओपन कर लें तो आप लोग इससे क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपल इन दोनों को प्लस कर दें, देन इन दोनों से जो अमाउंट आती है इससे ये माइनस कर दें। यहाँ मैं आप लोगों को जो कंप्यूटराइज तरीके से करा रहा हूँ, आप लोग जो है वो इसको सिंपल अपने पास प्रैक्टिस में करते रहें। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू दिस माइनस दिस। हम यहां पे फार्मूला लगा लेंगे सम का, बल्कि आप लोग आसानी से कर लें, इक्वल टू 182 माइनस कर दें इससे ये अमाउंट। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिमेनिंग आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट में साथ में लोगों ने लिखा है कैश के बाद आप लोगों ने नोट पेबल, यानी नोट पेबल हमारे पास सिंपल वो होता है कि जिस पे हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लें, एक एग्रीमेंट हम लोग साइन कर लें कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पे अब एक कोई ख़ास इन लोगों की एक मुदत रखी हुई है, एक ख़ास टाइम पीरियड है इनका, उसके मुताबिक इन लोगों ने जो है वो इसकी पेमेंट करनी है। तो हमारे पास सिंपल यहाँ आ जाएगा नोट पेबल। हमारे पास क्या आ गया देखें, एक हमारे पास आ गई है, हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग ली है, ठीक है, टोटल जो इसकी प्राइस बनती है वो हमारे पास बनती है 182,400, जिसमें से इसी में इसके जो जो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें से हम लोगों ने 36,500 रुपीज़ से कैश दिए एंड 145,900 के जो है वो हम लोगों ने नोट एक इशू कर दिए। यहाँ पे हम लोगों ने साथ में इसकी नरेशन लिखनी है कि ये किस वजह से कैश और
ये सारी ट्रांजेक्शन लिखने हैं, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ऑन कैश एंड पे एंड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या कि परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ऑन कैश एंड अकाउंट, हम लोगों ने बिल्डिंग और कैश जो बिल्डिंग और लैंड जो है वो हम लोगों ने खरीदी है, ठीक है। किस पे हम लोगों ने 36,500 रुपीस कैश दिए एंड एक नोट इशू किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम लोग 1,45,900 रुपीस फर्दर जो है वो आपको पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 15 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को हमारे पास क्या डेट वो आ जाएगी, हमारे पास ट्रांजैक्शन आ जाती है 15 सितंबर को, परचेज अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर इंक्लूडिंग 4,680। हम लोगों ने क्या लिख लिया है यहाँ पर, हम लोग जैसे कि आप लोगों ने इस मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि ये हमारे पास एक डेंटिस्ट है उसका ये फर्म है या उसका एक बिजनेस है, ठीक है। हम लोगों ने इसके लिए ट्रांजेक्शन करनी है, इसलिए हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर सिंपल हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे माइक्रो सिस्टम, इसने जो है वो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इसने क्या किया परचेज किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है कि 4,680 रुपीज कैश। ये हमारे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये हम लोगों ने कैश पर खरीदा लिया, ठीक है। तो कैश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में हमारे पास क्या आ जाएगी, डेबिट में हमारे पास सिंपल वो अमाउंट आ जाएगी जितने के ये कंप्यूटर थे, ठीक है। इसी के साथ आ जाएगा हम लोगों पास ये दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने नरेशन लिखनी है, इसके नरेशन हम लोग लिखते हैं परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। परचेज कंप्यूटर ऑन कैश, यहाँ पे हमारे पास ठीक हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ रही है 19 सितंबर को, ठीक है। 19 सितंबर को हमारे पास आ रही है ट्रांजैक्शन परचेज ऑफिस फर्निशिंग इंक्लूडिंग डेंटल इक्विपमेंट, ठीक हो गया। हमारे पास डेंटल इक्विपमेंट इन्होंने खरीदे हैं, तो हम लोग सिंपल यहां पर एंट्री कर लेंगे इक्विपमेंट की। हमारे पास क्या इन्होंने खरीदे हैं, इक्विपमेंट खरीदे, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है एट अ कॉस्ट ऑफ 5,760 रुपीस, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5,760 रुपीस की हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदे, ठीक हो गया। अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 960 वाज मेड, ठीक हो गया। क्या हुआ कि कैश हमारे पास आ जाते हैं और इसके साथ ही हमारे पास एक आ जाएगा द बैलेंस टू द पेड इन थर्ड थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू सितंबर 28, अक्टूबर 28 एंड नवंबर 28। द परचेज वाज ऑन ओपन अकाउंट एंड डिड नॉट रिक्वायर साइन फॉर अ प्रॉमिसरी नोट। इसमें हमारे पास आ रहा है कि हम लोगों ने 5,760 रुपीज के इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कैश पे किया है, कितना कैश पे किया हमारे पास हम लोगों ने 960, ठीक है, 960 रुपीज। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने जो इस तरीके से किया है इस ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखते हैं 5,760 माइनस दिस, कितना आ गया हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है
हमारे पास देखे यहाँ पर ट्रांजेक्शन आई थी, हमारे पास आया था कि हम लोगों ने एक नोट इशू किया है, मतलब कि हमारे पास एक एग्रीमेंट हमने साइन किया है। इस ट्रांजेक्शन में हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास ओपन अकाउंट है, मतलब ओपन अकाउंट का मतलब आ जाता है A/P, अकाउंट पेबल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग A/P लिख लेते हैं, अकाउंट पेबल। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदे हैं 5,760 रुपए के, जिसमें से 960 रुपए कैश दिए और साथ में 4,800 रुपए के हम लोगों ने अकाउंट पेबल, ठीक है, हमारे ऑन अकाउंट यानी हमारे हमने कर्ज पे चीजें ली है। हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, परचेज ऑन कैश है। सिंपल हमारे पास नरेशन आ जाएगी, परचेज इक्विपमेंट्स ऑन कैश एंड अकाउंट, मतलब कैश की भी एंट्री हुई है और अकाउंट की भी एंट्री हुई है, अकाउंट पेबल की भी, यानी ठीक है लाइबिलिटी भी हुई हमारे पास आई है। अब 26 सितंबर को हमारे पास एंट्री आई है, $140 मॉनिटर इन द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम परचेज ऑन September 15 स्टॉप वर्किंग, द मॉनिटर वॉज रिटर्न टू कंप्यूटर स्टोर विच प्रोमिस टू रिफंड द $140 विद इन 5 days। यहां पर हमारे पास सिंपल आ जाती है, हम हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हम लोगों ने जो ख़रीदे थे 15 डेट को, इस डेट पे हम लोगों ने जो ख़रीदे हैं, इसमें से यानी 4,680, ठीक है, इतने के हम लोगों ने जो ख़रीदे हैं, इसको हम लोग कर देंगे अकाउंट स्लैश आर, मतलब हमारे पास आ जाती है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास आता है कितने हमारे किए हम लोगों ने $140। अकाउंट पेबल हमारे पास वो होता है कि जिसको हमने कर्जा देना हो, और अकाउंट रिसीवेबल वो होता है जो हमें पैसे देगा। यहाँ पर हम लोग क्या डेबिट कर लेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पर डेबिट कर लेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 140। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक नरेशन आएगी, नरेशन में हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर रिटर्न टू सप्लायर, ठीक होगा, कंप्यूटर रिटर्न टू सप्लायर। हमारे पास अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी September 28 की, ठीक है, 28 सितंबर की हमारे पास एंट्री आती है, पेड $160 कैश एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन अकाउंट पेबल ऑफ ऑफिस फर्निशिंग्स। हम लोगों ने क्या किया है, देखिए हम लोगों ने जो यहां पर 19 सितंबर को जो हम लोगों ने लिए थे इक्विपमेंट्स खरीदे थे, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम लोगों ने अकाउंट पेबल रखा था कि हम लोग 3 महीनों में पैसे देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A/P अकाउंट पेबल को हम लोगों ने कितने $160 दिए हैं। साथ में हमारे पास डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हमारे पास कम हो रहा है, कैश हमारे पास एसेट है, एसेट में जब भी कमी आती है तो क्रेडिट साइड पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ जाएगी, रिसीव $140 कैश फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर, ठीक हो गया। हमारे पास जो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल था, इसको हम लोगों ने 30 सितंबर को हम लोगों ने इससे पेमेंट हमें वसूल हो गई है, मतलब हमारे पास कैश की एंट्री हुई है, क्योंकि कैश हमारे पास ज़्यादा हो रहा है और कैश हमारे पास एसेट है,
एसिडिटी में जब भी ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास इंक्रीज आती है। साथ में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, कितने का? $140 का। यहाँ पे हमारे पास निरीक्षण क्या जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। फ्रेंड यहाँ तक हमारे आज आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन सारा करवा दिया है कि हम लोग जर्नल में हम लोग किस तरीके से इंट्रीज करते हैं। अगर आप लोगों को देखें कोई कहीं इस वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर अपने पास नोट कर लें, आप लोग सिंपल इस पे मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा। ये मेरा नंबर है, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें। अगर आप लोगों को कहीं पे भी मसला हो इस वीडियो में तो आप लोग सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करके आप लोगों को समझा दूंगा। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतनी वीडियो, कल पे रिकॉर्ड नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।